अपने बाजू वाले से कहिए तुम्हें शांति मिले पीस बी विथ यू कहिए कहिए सबने कहा मैंने इन दिनों में सीखा है कि कितना खतरनाक है जब आपके अंदर शांति नहीं है और आप कुछ भी निर्णय ले सकते हो आप जानते हो दुनिया में बीमारियां तकलीफें इतनी समस्याएं क्यों हैं जानते हो रीजन क्या है क्योंकि किसी ने निर्णय लिया आज से बहुत साल पहले कि मैं फल खाऊंगा डू यू नो दिस किसी ने निर्णय लिया कि मैं फल खाऊंगा और आज दुनिया की हालत देखो वैसे ही बहुत जब आप कोई बड़ा डिसीजन लेते हो ना जब वो आपके जीवन पे नौकरी आएगी जाएगी दूसरी मिल जाएगी ये बड़े डिसीजंस नहीं हैं लेकिन कोई ऐसा डिसीजन जो आपके जीवन को एक नया मोड़ देता है मैं आपसे सच कहता हूँ बहुत संभल के आराम से प्रार्थना करके फिर आगे बढ़ना क्योंकि जिंदगी में कुछ कदम ऐसे होते हैं जो कभी पीछे नहीं आ सकते हैं लेकिन कुछ कदम ऐसे भी हैं जैसे अगर एक नौकरी है आपने बहुत मेहनत की थी एक जॉब को पाने के लिए और वो जॉब आपको मिली और आपको नहीं समझ में आई आप थ्रो कर दोगे कोई और ख़रीद करोगे कोई और जॉब ढूंढोगे आपने कपड़ा लिया आपको समझ में नहीं आया आप फेंक दोगे पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ अगर आप शादी करने वाले हैं और आपने एक रॉन्ग पर्सन से शादी कर दी क्या उसको भी फेंक दोगे तब क्या करोगे टेल मी कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रेयर के साथ लिए जाते हैं मैं आपको सच कहता हूं प्रभु मेरा गवाह है किसी गलत पर्सन से शादी करने से सिंगल रहना बेहतर है एग्री हाउ मैनी मुझे समझ में नहीं आता है आज शादियों पे इतने जोक क्यों बनते हैं मतलब कहाँ ना कहाँ एक आदमी ने अपनी टी शर्ट पर लिखा था डोंट डिस्टर्ब मी आई एम मैरिड आई एम ऑलरेडी टू मच डिस्टर्ब कि मुझे परेशान मत करो मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ आप जानते हो परमेश्वर ने बनाई है मैरिज वो इतनी खराब कैसे हो सकती है नहीं लोगों ने गलत निर्णय लिए हैं इसीलिए मैरिज खराब है आज आज की जो मैं बहुत हैरान होता हूँ आजकल ये सब बातें देख कर कि कैसे लोग खूबसूरती के पीछे जाते हैं पैसों के पीछे जाते हैं बड़े बड़ी बातों के पीछे जाते हैं बट वो उस पर्पस को नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर ने क्या रखा है बोलिए जय मसीह की, कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं एक पाँच मिनट की कुछ बातें बोल के मैं अपने वर्ड में आऊँगा ओके मैं आपको बताता हूं हम शांति को कितना गलत तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं यह प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम है यह प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, है, है हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगे हैं ताकि शांति हो क्या इस तरह शांति मिलती है हाँ बोलिए जय की आपके घर के अंदर एक आदमी रहता है उससे आपकी बिल्कुल नहीं जमती है और आप बोलते हो ये सुधरे तो घर में थोड़ी शांति आए क्या ये सही है आपको पैसों की तकलीफ है और आप बोलते हो नहीं यार कुछ सेट हो जाऊं फिर शांति मिलेगी क्या ये शांति है मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी देता हूं और एक बैड न्यूज़ भी देता हूं बैड न्यूज़ ये है कि आप जब तक जिंदा हो आपके पास तकलीफें रहेंगी और गुड न्यूज़ ये है छुड़ाने वाला भी साथ रहेगा <laughs> बोलो आमेन कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं बहुत लोगों को लगता है मस्सी में आने के बाद कोई तकलीफ नहीं रहती है मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी बढ़ गई है पहले मेरे दो दुश्मन थे अभी दस हैं लेकिन इन समस्याओं को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया मुझे मजबूत करने में मुझे क्या आप, मैं आपको बताता हूं शादियां क्यों टूटती हैं मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं मैरिजेस क्यों टूटती हैं आज आप ये बिलीव करते हो इंडिया में सेवेंटी परसेंट मैरिजेस फेल है आप बिलीव करते हो इस बात पे सेवेंटी परसेंट मैरिजेस बिली नाइन्टीज के बाद जो मैरिजेस हुई है ना आप देखो आज भी आप जिनको देख रहे हो ना इनकी सबकी शादियां नाइन्टीज से पहले हुई हुई हैं लेकिन नाइनटी नाइनटी के बाद जो जनरेशन है ना वो अपने मम्मी डैडी को फॉलो नहीं करती है वो फिल्म स्टार्स को फॉलो करती है बहुत सारे लोग मालूम में आज शादियां क्यों टूटती हैं देखिए है। लड़का लड़की सामने बैठे पसंद किया और शादी हो गई शादी के बाद लड़की ने मां को कॉल किया मेरे को परेशान कर रहा है क्या करूं और मूर्ख मां बोलती है घर पे चलिया क्या ये सही है अब मुझे बताइए लड़की नए माहौल में एडजस्ट क्यों नहीं कर पाती है तो क्यों क्योंकि कभी भी मां ने घर पे डाटा ही नहीं था उसको हमेशा उन्नीस साल की उम्र में भी उसको गोद में लेके चल रही थी और अभी ये लड़की एक नए माहौल में जा रही है जहाँ पर मर्डर इन लॉ मिली है <laughs> बोलो मर्डर इन लॉ हाँ मदर इन लॉ नहीं मर्डर इन लॉ समझिए आपको एक मदर इन लॉ मिली है अब वो आपको अपने हिसाब से जीने के लिए कहती है वो कहती है ये नहीं वो ये नहीं वो अपने घर पे 11 बजे उठती होगी यहाँ पर सवेरे 6 बजे उठना है 8 बजे पानी आता है फिर क्या करोगे फिर आपको क्या करना पड़ता है आपको सहना पड़ता है इसीलिए बाइबल की बहुत सारी शिक्षाएं नेचर के ऊपर हैं मरक्कल्स के ऊपर कम है ये बात अलग है कि लोग आज चमत्कारों के पीछे भागते हैं आप यहाँ से बाहर निकलो आप देखो हर आदमी एक ही चीज़ की तलाश कर रहा है कुछ सुपर हो मेरे लाइफ में लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि बाइबल कैरेक्टर को चेंज करने के लिखी गई थी मरक्कल्स के लिए नहीं बोलो जय मसी नाइनटी नाइन परसेंट जो आज मैरिजेस फेल हैं उनका रीजन जानते हैं क्या है ईगो बोलो ईगो बोलो घमंड मैंने याद है, एक मीटिंग में ये कहा था अगर ये घमंड नहीं टूटा तो ये जीवन को तोड़ेगा कैसे मालूम पड़ेगा कि आप घमंडी हो कि नहीं हो अगर आप हमेशा ये ये लफ्ज बोलते हो मेरा गलती नहीं है नंबर वन प्राउडी नंबर वन जो भी यहां पर बैठा हुआ है जो ये कहता है मेरी कोई गलती नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं आप मुंबई में सबसे बड़े घमंडी हैं लेकिन जानते हो जो गलती होने के बाद ये कहते हैं उसकी वजह से नहीं इसकी वजह से नहीं मेरा फॉल्ट है मुझे माफ करो मैं ध्यान दूंगा आगे कैसा ना करूँ ब्रदर यू आर हम्बिल परमेश्वर ने आपके अंदर सच में कुछ काम किया है घमंड की पहली निशानी है ये लोग कभी महसूस नहीं कर पाते हैं ये गलत है ईगो कभी उनको रियलाइज नहीं करने देता है याद रखना कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है यीशु मसीह का ये मच्छर को छान डालते हैं परंतु ऊंट को निगल लेते हैं इसका मतलब क्या है हां कितने लोगों ने यह वचन पढ़ा है यीशु मसीह ने मती तेवीस अध्याय में फरीसियों के लिए कहा यह मच्छर को छान डालते हैं परंतु ऊंट को निगल लेते हैं। इसका अर्थ क्या है ऊंट कितना बड़ा होता है मच्छर कितना छोटा होता है जानते हो यीशु क्या उनको बोलने की कोशिश कर रहा था ऊंट जितनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद भी यह नहीं देख पाते हैं लेकिन किस पे मच्छर बैठा रहे इनको दिखता है कितनी बड़ी बात है जब फरीसी एक स्त्री को लेकर आए थे आप जानते हो बाइबल के अंदर सबसे खतरनाक केस यही है समझो आपका कंप्लेन मिलता है कि ये ऐसा कर रहा था तो आपने किया ना आप जानते हो बाइबल में सिर्फ एक यही लेडी थी युना आठ अध्याय में जिसके लिए लिखा गया है यह व्यभिचार करते पकड़ी गई है आप सोचो उस समय कितनी शर्म आती है जिस समय एक आदमी रंगे हाथों तो कॉट होता है क्या तूने किया था ऐसा आप जानते हो वो लोग यीशु मसीह के पास लेकर आए उसको ये बाइबल का सबसे वर्स्ट केस था जो यीशु के पास आया था सबसे वर्स्ट केस और लोग उसके पास आके बोलते हैं प्रभु इसने विचार किया है ऐसी स्त्रियों को पथराव करते हैं यू you नो know, हर वो व्यक्ति जो उस पर दोष लगा रहा था यीशु ने उसको कहा यहां से निकलो और उसके बाद यीशु ने कहा जा मैं भी तुझ पे दंड की आज्ञा नहीं देता लेकिन जानते हो उसके बाद यीशु ने एक ऐसा वचन कहा जिसपे आज कोई विश्वास ही बिलीव नहीं करता है जानते हो वचन कौन सा है जा और फिर पाप मत करना अब आप बोलोगे ब्रदर ऐसा कैसे आज माफी मिली है अभी तो टाइम लगेगा छः आठ महीने लगेंगे एक साल लगेगा उसमें से निकलने के लिए यीशु ने उसको कहा जा फिर पाप मत कर जानते हो क्यों क्यों बाइबल में यीशु ने ऐसी आज्ञा दी क्योंकि उसने पवित्र आत्मा दिया है अब यह पॉसिबल है कितने लोग सच में अपने ईगो से परेशान हैं? पहला मैं हूं <laughs> आइए जी कितने लोग अपने ईगो से परेशान हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कोई और चलो वेरी गुड मतलब जिन्हा हथा हेट है उनमें ईगो आया ही ना वाह ग्रेट प्रेस <laughs> मुझे खुश कर दिया आप लोगों ने आज बहुत अच्छी बात है आपके अंदर ईगो नहीं है एक दिन प्रभु आपको दादर स्टेशन पे भेजेगा वहाँ पर आप चेक किए जाओगे बोलो आमेन हाँ <laughs> मुझे कई लोग बोलते हैं ब्रदर मैं नंबर बन गया हूँ मैं बोलता हूँ गो टू दादर <laughs> ट्रेन पकड़ वहाँ से देख क्या हो रहा है भीड़ के अंदर फिर आके बता फिर जब वो आते हैं बोलते हैं बदर यार बहुत गुस्सा भरा पड़ा है मैंने बोला कलीसिया में सब नम्र होते हैं भाई मुझसे बड़ा कोई नम्र व्यक्ति नहीं है कलीसिया में लेकिन तुम्हारी रियल टेस्टिंग तब होती है जब तुमको रिक्शा वाला बोलता है आरके कॉलेज के बाहर उतार के फेंकता है और बोलता है मैडम खुद जाओ यहाँ से उस समय आप क्या बोलेंगे <laughs> बोलो जय मसी आप जानते हैं घमंड से बाहर आने का सबसे अच्छा रास्ता क्या है हाँ? मैंने बीच में एक एड देखी थी ईनो गैस बुझाए सेकंड में अब एक नई सुनो ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में <laughs> बोलो जय मसी कितने लोगों ने ईनो की एड देखी है गैस बुझाए 6 सेकंड में ईगो काम बिगाड़े 6 सेकंड में <laughs> यह भी एड हमेशा याद रखना मैं आपको एक बात बताता हूं अगर आप ईगो से बाहर निकलना चाहते हैं घमंड से बाहर निकलना चाहते हैं मैं आपको एक अच्छा वे बताता हूं अगर वो आप करोगे आप 100 परसेंट घमंड से डे बाय डे डिलीवर हो जाओगे जानते हो क्या सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद किया करो कि परमेश्वर ने तुम पर कैसी दया की है जब आप अपनी मिस्टेक्स को उन गुनाहों को उसके सामने रखोगे कि प्रभु मैं कितना माफ किया गया हूं मैं आपको सच कहता हूं यही वो चीज है जो आपको नंबर बना देगी और आप हर आदमी को एक्सेप्ट करोगे आप जानते हो आप सबको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हो लाइफ में आइए सब यहीं पर हैं मैं आपसे पूछता हूं क्या आप सबको अपने लाइफ में एक्सेप्ट कर पाते हो क्यों नहीं कर पाते हो मैं हमेशा एक बात पूछता हूं आप में से कितने लोग डेली के विश्वासियों से प्यार करते हैं हाथ उठाइए करते हैं आप में से कितने लोग बॉम्बे के बिलीवर्स से प्यार करते हैं लिफ्ट योर हैंड सब करते होंगे आप में से कितने लोग कोल्हापुर के विश्वासियों से प्यार करते हैं सब करते होंगे अपने आप से पूछता हूं आप में से कितने लोग अपने कलीसा के लोगों से प्यार करते क्योंकि वो तो आपको मिलते नहीं है या ये लोग आपको रोज मिलते हैं जब आप इनके साथ करीब जाओगे तो आपकी मिस्टेक्स आपकी कमजोरियां सब दिखेंगी अगर हम लोग अपनी लोकल चर्च से प्यार नहीं करते हैं तो हम उनसे कैसे प्यार कर सकते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते हैं यहुन्ना कहता है तुम उनसे प्यार नहीं कर पाते जो तुम्हें दिखते हैं तो तुम उनसे कैसे प्यार करोगे जो तुम्हें दिखाई नहीं देता है जानते हो अपने लाइफ में सबको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं। हाँ, एक हैं जो आपको जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं मैं इनसे मेल मिलाप करने की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि बाइबल भी ये कहती है जहां तक हो सके मतलब बाइबल प्रभु भी जानता था सबके साथ मेल मिलाप संभव नहीं है लेकिन आप जानते हो कई बार हम सबको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमें सिर्फ उनके बारे में पता है हमें अपने बारे में नहीं पता है कि हम कितना गलत कर सकते हैं एक नम्र आदमी की सबसे अच्छी पहचान जाते हो क्या होता है वो सब लोगों को अपने साथ उठा के चलता है सबको संभालता रहता है वो उम्मीद नहीं लेकिन वो सबके लिए एक मदद बना हुआ रहता है इज रियल हम्बल मैन बोलो जय मसी की तो प्लीज मैं आपको एक समझाना चाहता हूं आप में से बहुत यहां पर बच्चे बैठे हुए हैं जिनकी उम्र 25 24 26 है आने वाले दिनों में आपकी शादियां होंगी इससे पहले कि आपके जीवन में आगे चल के प्रॉब्लम हो आज से ही डिसीजन लो लॉर्ड ब्रेक माई ईगो मेरे घमंड को तोड़ और याद रखिएगा परमेश्वर हमारे घमंड को तोड़ने के लिए अविश्वासियों का उपयोग करता है बिलीव करते है? हाँ? अगर आप कहते हो कि घमंड प्रार्थना से निकलता है तो मेरे ख्याल से हर एक में से निकल जाता राज क्योंकि हम सब प्रेयर करते हैं याद रखिएगा एक दीवार के सामने आप खड़े हो जाओ और कहो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूं यह दीवार गिर जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो नहीं गिरेगी आपको हथौड़ा लेके उसको तोड़ना पड़ेगा यह यरियो की दीवार नहीं है वैसे ही घमंड सिर्फ प्रार्थना करने से नहीं निकलता है जब परमेश्वर अलॉव करता है आपके ऊपर किसी अधिकारी को अथॉरिटी को आप जानते हो जब हम छोटे थे तब मां बाप के अधीन स्कूल में गए टीचर के अधीन चर्च में आए पास्टर के अधीन शादी किया फादर इन लॉ मदर इन लॉ के अधीन क्यों बाइबल ने हमें प्रभु ने हमेशा ऐसा चाहा कि हमारे ऊपर कोई हो बिकॉज ऑफ द वन थिंग ताकि तुम तुम्हारे अंदर घमंड टूटे आज भी बहुत सारे लोग इस रहस्य को नहीं जान पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें किसी की आधीनता में क्यों अलाउ किया है रहना मैं आपको यह नहीं कहता हूं कि मेरे आधीन डोंट वरी मैं किसी को भी चर्च के बाहर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता हूं आपकी एक लाइफ है आप यहाँ से निकल के कुछ भी कर सकते हो आई डोंट केयर मैं सिर्फ उन पर ध्यान देता हूँ जो सेवकाई करते हैं जो इस पुलपिट पे खड़े होते हैं अगर मुझे उनके बारे में मालूम पड़ता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं तो मैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि उनकी वजह से प्रभु का नाम खराब हो सकता है बाकी मैं उतना कंसर्न नहीं करता लोगों के ऊपर हाँ अगर मुझे मालूम पड़ता है कोई बीमार है कोई तकलीफ में है मैं खुद उनको कॉल करके उनसे बात करता हूँ क्या प्रॉब्लम है बताओ हम दुआ करेंगे बाकी मैं चर्च के बाहर किसी का भी लाइफ कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है सब लोग प्रेम से बदलते हैं फोर्स से नहीं बोलो जय मसी हाँ अगर कोई यहाँ पर खड़ा रहता है और उसके बाद मुझे मालूम पड़ता है कि वो गड़बड़ कर रहे हैं तो मैं उनको कॉल करके मैं उनको से पहले उनसे पूछता हूँ और याद की याद रखिएगा मैं बग़ैर प्रूफ के कभी आपको कॉल नहीं करूँगा जब मुझे किसकी मिस्टेक मालूम पड़ती है ना मैं सारे प्रूफ इकट्ठे करता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ बात करना चालू करूँ और बाद में मैं ही मेरा ही मजाक बन जाए हमेशा याद रखना बगैर प्रूफ के किसी से बात नहीं की जाती है बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे बातों को एडिंग करके बताएंगे इसने ऐसा किया इसने ऐसा किया एक तरफ से कभी कोई बात नहीं सुनी जाती है जाओ यीशु ने क्या कहा सामरी स्त्री को जा पति को लेकर <laughs> आ याद रखिएगा अभी देखिए सिमरन यहां बैठे हुए हैं ठीक है सिमरन का और शिष्य सोना का समझो आपस में थोड़ा तिरछी चलती रहती है लिसन ऐसे एक बात मैं जनरली बता रहा हूं ठीक है अभी इन दोनों का थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ अब सोना मेरे पास आके कहेगी डोंट वरी डों सोना ऐसे बिल्कुल भी नहीं है वो प्रभु की एक आशीषित बच्ची है सुनिए और सिस्टर सोना मेरे पास आके बोलेगी ब्रदर ऐसा करती है ऐसा करती है ऐसा करती है ऐसा करती है याद करना रखना हर आदमी एडिंग करता है हर आदमी हम लोग लो को मिर्ची देते हैं वो उसको काट के मिर्ची विर्ची भर के खिलाते हैं हम कोई ये लो पूरा खाओ ब्रदर सोचो कभी भी जानते हो यशया यीशु मसीह के लिए क्या बोलता है वो कानों से के कभी किसी का न्याय नहीं करेगा लेकिन वो सब बातों को छानेगा आप भी कभी किसी का न्याय ऐसे मत कीजिए। बोलो जय मसीह की घमंड से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है जब आपके ऊपर कोई प्रभु खड़ा करता है चुपचाप उसकी आदीनता में चलो एक बहन ने मुझे कहा ब्रदर मेरे लिए प्रेयर करो मेरा बॉस मुझे रोज चिल्लाता है तो मैंने बोला सिस्टर चलाने का कोई रीजन तो होता है बोला हां मैं सिर्फ आधा घंटा लेट जाती हूं सचर प्रभु तो आशीष कर आजा मैं तेरे लिए करूँ करूं कि प्रभु तुझे नींद से जल्दी उठाए, आप आधा घंटा लेट जाते हो और आप बोलते हो उनको प्रभु चेंज करे हाँ, बोलिए क्या ये मसीहत है वो हमको पे करते हैं वो हमसे ड्यूटी क्यों नहीं लेंगे आपके घर पे काम वाली बाई दस मिनट लेट आती है छुप रहती हो क्या उसको सुनाना चालू करते हो किधर गई थी दिखता नहीं है कि नौ बजी है पानी आ रहा है, ये आ रहा है वो आ रहा है तुम किसी को सुनाते हो और तुमको कोई सुनाता है तो तुम बोलते हो गलत है बाइबल कहती है ये रॉन्ग चीजें हैं इट्स टोटली रॉन्ग परमेश्वर आपके ऊपर कभी कभी गलत लोगों को इसलिए अलाउ करता है ताकि आपके घमंड को तोड़ के वो आपको एक नम्र व्यक्ति बनाए मैं कभी कभी कुछ भाइयों को देखता हूं वो अपनी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो उनकी नौकरानी है क्या सही है हां मुझे बताइए क्या वो काम वाली भाई है बाइबल अब मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूं यहां देखिए जब प्रभु ने आदम को बनाया और उसने देखा कि वो अकेला है तो उसने क्या किया उसने उसके लिए हवा बनाई आप जानते हो हवा के लिए हड्डी कहां से निकाली गई यहां से अगर वो हड्डी पैर से निकालता तो झगड़े में पुरुष बोलता चुप कर तू पैर से निकली है लेकिन ना ही प्रभु ने उसको यहां से निकाला फिर स्त्री बोलती तू चुप कर मैं यहां से निकली हूं क्यों परमेश्वर ने हड्डी यहां से निकाली यह दिखाने के लिए यू बोथ आर इक्वल तुम दोनों सेम हो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं स्त्रियों स्त्रियां ऐसी हैं वैसी है मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई याद रखना मुर्दों में से जी उठने के बाद किसी पुरुष ने नहीं पहला एक स्त्री ने उसको देखा था याद रखिएगा एक यहूदी लोग हैं जो मैन डोमिनेंट सिटी है जहां पर बहनों को इतनी आप पढ़, पढ़ते रहेंगे वचन में कि खाने वाले पांच हजार पुरुष थे स्त्रियों की गिनती क्यों नहीं है फाइव थाउजेंड मैन वेर इज वुमेन्स एक यहूदी रिवाज था कि वो लोग स्त्रियों को इतनी वैल्यू नहीं देते थे लेकिन याद रखना नए नियम में बहनों को भी पवित्र आत्मा मिला है क्या कहती है बाइबल अंतिम दिनों में मेरे दास और दासियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा वुमेन्स तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप प्रभु की बेटियां हो कमजोर मत पड़ो यीशु के साथ खड़े रहो आगे चल के आपको उसके लिए बहुत कुछ करना है बोलो आमीन और जानते हो मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूं अगर परमेश्वर को अंतिम समय में कोई पुरुष नहीं मिला तो वो बहनों का भी उपयोग करेगा आप बिलीव करते हैं? मैं करता हूं बाइबल कहती है दबोरा एक न्याय थी बाइबल ये भी कहती है कि प्रभु ने हन्ना को बेटा दिया यीशु मसीह जी उठा है ये पहला शब्द मरियम ने कहा है चेलों को मैं ये नहीं कहता हूं कि आप पुरुष पर राज्य करो पर मैं आपको बताना चाहता हूं यू बोथ आर इक्वल बोलो जय मसी की कितने लोग मेरी बात समझे और याद रखिएगा सेवकाई कहां से शुरू होती है एक आदमी जिसके अंदर से सेना नाम की दुष्ट आत्मा निकली थी वो यीशु मसी को कहता है प्रभु क्या मैं आपके पास आऊं यीशु बोलता है घर जा मिनिस्ट्री स्टार्ट विथ फैमिली याद रखिएगा सेवकाई घर से शुरू होती है क्या कहा प्रभु ने उसको घर जा गो टू होम जा आपने परिवार को बता पहले ये कि मैंने तेरे साथ क्या किया है हम घर पे चार लोग नहीं संभाल पाते हैं चार हजार की कलीसा कैसे संभालेंगे बताइए ये बहुत जरूरी है कि आपकी फैमिली आपसे हैप्पी हो आइए हम वचन में आएंगे बोलिए प्रभु मैं आपको पूरा अधिकार देता हूं मेरे घवन को तोड़िए मैं आपको नहीं रोकूंगा यीशु मसीह के नाम में आमेन यस एम आइए हम सब खोलेंगे पहला कुरेंथियो तेरा अध्याय वचन चालू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं अगर इस वचन को सुनने के समय आपका ध्यान यहां वहां बटका तो आप इस वचन को नहीं समझ पाओगे ज़्यादातर मैं ये वचन एल्डर्स मीटिंग में शेयर करता हूँ ये काफ़ी हैवी है बहुत भारी है मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ध्यान दीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप इतना लंबे से यहाँ आए हैं और आपका टाइम वेस्ट हो जाए क्योंकि कलिसियाएँ भरी पड़ी हैं ऐसे लोगों से आजकल कि जो कलिसा में आकर भी कलिसा में नहीं रहते हैं आप ये मिस्टेक मत करना आज दिस इज़ a लाइफ चेंजिंग लेसन ये एक लेसन एक मिलेगा आपको आज कि एक आदमी जो सचमुच पवित्र आत्मा से भरा हुआ रहता है वो किस तरह रहता है मैं पहले एक बात बोलना चाहता हूँ अगर आपके पास एक 500 सौ रुपये का नोट है और आप देख रहे हो कि उसका कागज़ जो है ना काफ़ी पतला है और आप किसी और के पास जा रहे हो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी के पास भी चले जाओ कोई भी आपको पूरी तरह नहीं बता पाएगा कि यह असली है ये नकली है वैसे ही अगर आपको यह बात जानना है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं कि नहीं भरा हुआ हूं यह आप विश्वासियों को मिलकर आपको नहीं मालूम पड़ेगा अगर आपके पास एक पांच का जाली नोट है तो किसी आदमी के पास मत लेके जाओ सीधा आर बैंक में जाओ और उनको बोलो मुझे बताओ वो आपको क्लियर पहचान देंगे कि ये नकली है कि असली है वैसे ही आपको अगर जानना है कि मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं कि नहीं हूं सिर्फ एक ही बात देखिए यीशु मसीह का जीवन ही इज अ रियल स्प्रिटफुल man. वो एक सच्ची में आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था अपने आप को किसी भी इंसान से कंपेयर मत करना कंपेयर यूर सेल्फ ओनली विद जीस जब आप उसको देखोगे ना आपको मालूम पड़ेगा कि सच्ची भरपूरी क्या है क्या फायदा कि मैं यहां पर खड़े हो कि पंद्रह मिनट अन्य भाषाएं बोलूं पर मुझे अपनी मां से बात करने की तमीज नहीं है सोचो आज बहुत सारे लोग अपने आप को धोखा दे रहे हैं अन्य भाषाएं बोल के यहां पर अन्य भाषाएं बोलते हैं लेकिन घर पे जाके उनकी मदर टंग ठीक नहीं है क्या फायदा है ऐसा अन्य भाषा बोलने का अगर आपको अन्य भाषा नहीं मिला है ना डोंट बी डिस्करेज एटलीस्ट आप सबसे प्रेम से बात करो ये अन्य भाषा से बढ़कर है आप समझ रहे हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं ब्रदर मेरे को अन्य भाषा नहीं मिला है ब्रदर मेरे अंदर कोई पाप है क्या प्रभु मुझे अन्य भाषा क्यों नहीं दे रहा है सिस्टर मैं आपको बताना चाहता हूं अन्य भाषा एक अच्छा वरदान है हम उसको नीचे नहीं कर रहे हैं पर याद रखना यीशु कभी अन्य भाषा में बात नहीं करता था लेकिन जानते हो यीशु सबके साथ प्रेम और इज्जत से बात करता था समझो आप एक अनबिलीवर के पास चले जाओ और वहां पर खड़े होकर अन्य भाषा बोलो वो आपको क्या बोलेगा भाई क्या बोल रहा है बोलना ये कौन सा जर्मनी लैंग्वेज है ब्रिटिश है कौन सा लैंग्वेज है आखिर लेकिन आप उसको बोलते हो सर जय मसीह की मैं यीशु मसीह को मानता हूं मैं आपके लिए दुआ करने आया हूं क्या यह इससे बेटर नहीं है हाँ जी ओके आइए सेकंड क्वरन चैप्टर थर्टीन कोई उसका पढ़िए सेकंड क्वरन चैप्टर थर्टीन दूसरा क्वरन चैप्टर थर्टीन याद रखिएगा मैं खुद भी अन्य भाषा में बात करता हूं लेकिन सिर्फ अन्य भाषा बोलना ही पवित्र आत्मा से परिपूर्णता का चिन्ह नहीं है याद रखिएगा अगर आपको पवित्र आत्मा आपकी जुबान कंट्रोल नहीं करता है तो मेरे ख्याल से आप धोखे में जी रहे हैं ठीक है आइए सेकेंड कुर तेरा अध्याय उसका चौथा वचन कोई जोर से पढ़िए वन सेकेंड यूज माइक ब्रदर थैंक यू लॉर्ड वर्शिप यू जीजस यस वह निर्बलता के कारण तो क्रूस पर चढ़ाया तो गया तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य जीवित है हम भी तो उसमें तो उस निर्बल हैं हाँ बस 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 सब लोगों ने पढ़ लिया सब यहां देखिए अभी बाइबल कहती है पौलुस परमेश्वर का एक दास था और परमेश्वर ने उसको बहुत सारी जगहों पर कलिसियाओं को बनने के लिए इस्तेमाल किया और उसमें से एक कलिसिया थी जिसका नाम था कुरेंथियो। यहां पर पौलुस ने दो साल उनके साथ संगति की थी और वहां पर एक चर्च बन गया था लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं पोलुस की बनाई हुई में जिसकी सबसे वर्ष कंडीशन थी वो कुरंथियो है आप जानते हो जब पोलुस ने उस कलिसिया को छोड़ा तो वहां पर क्या हुआ जैसे पौलुस वहां से अलग हुआ उस कलिसिया ने वो जीवन जो वो पॉलुस के साथ जीते थे वो जीना बंद कर दिया अब मैं आपको बताना चाहता हूं उस कलिसिया के अंदर सबसे बड़ी मुख्य बात यह थी वहां ग्रुपिज्म था जानते हो ग्रुपिज्म क्या होता है वट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिज्म जिसने सुसमाचार बताया उसके साथ ही संगति और किसी के साथ नहीं अगर यहां पर एक सिस्टर आती है जिसको किसने सुसमाचार बता के उसको यहां पर लेकर आया आपको पता है बहुत सारी बहनें ये गलतियां करती हैं जिनके साथ जिनको उसने सुसमाचार बताया वो उन्हीं के साथ संगति करती हैं और किसी के साथ कंसर्न नहीं करती क्या यह सही है इज द्रू कोई कहता है मैं सूरज भाई का हूं कोई बोलता है मैं मयूर का हूं कोई बोलता है मैं आकाश का हूं बाइबल कहती है क्या मसीह बढ़ गया है क्या तुम्हारे बीच में हम सब यीशु मसीह के कोई यहां पर एक दूसरे का नहीं है इस चर्च के अंदर सबसे पहली बात यह थी ये पोलुस के जाने के बाद वहां पर ग्रुपिज्म चालू हो गया था लोग क्या कर रहे थे एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर रहे थे कोई बोलते नहीं 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 मैं पोलूस के साथ ही संगति करता हूं कोई बोलता है नहीं 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 मैं अपोलुस के साथ ही करता हूं पोलुस कहता है वहां पर तुम क्या कर रहे हो यह सब इट रॉंग पहली मिस्टेक यहां पर यह थी और दूसरी बात जानते हो वहां पर क्या थी दूसरी बात वहां पर यह थी वहां पर एक आदमी था उसकी उसने उसकी वाइफ मर गई और उसने दूसरी शादी की दूसरी शादी करने के बाद उसके बेटे ने अपनी मां से अफेयर रखा था आप पढ़ सकते हो जानते हो उस कलिस्ा के अंदर ऐसा था शारीरिक व्यभिचार चल रहा था उस कलिसा के अंदर एक आदमी ने अपनी बीवी मरने के बाद दूसरे से शादी की और उसके बेटे ने इससे अफेयर रखा था पॉलूस कहता है यह मैं क्या सुन रहा हूं तुम्हारे बीच में ऐसा वे विचार हो रहा है कि जैसा अन्य जातियों में भी नहीं हो रहा है सेकेंड थिंग वहां पर वो थी और तीसरी बात जानते हो वहां पर क्या थी तीसरी चीज वहां पर यह थी जब भी वो लोग प्रभुबोज के लिए इकट्ठे होते थे आप जानते हो चुंगम कैसे खाते है? चॉकलेट कैसे खाते हैं मीनिंगलेसली लिया खाया वो लोग प्रभु प्रभुबोज को ऐसे लेते थे जैसे वो मानो एक सादी सी रोटी लेते पोलूस उनको कहता है क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है जो तुम यहां पर इनडिसिप्लिन वैसे खाते हो चौथी चीज वे लोग जानते क्या कर रहे थे समझिए पोलूस के साथ बिताने के बाद उस, उसके जाने के बाद वो कलिसा में आते थे लेकिन तेवीस घंटा उनकी संगति जुआरियों के साथ रहती थी व्यभिचारियों के साथ रहती थी गलत लोगों के साथ रहती थी और वो बढ़ नहीं पाते थे ये सारी बातें पोलूस ने उनको लिखी और जानते हो जब वो इस लेटर को लिख चुका तो उन लोगों ने बहुत गहरा पश्चाताप किया और पोलूस ने उनको एक दूसरा भी लेटर लिखा आप जानते हो सिर्फ दो ही चीजें हैं

यू बिलीव दैट पॉलिस को कहता है कि किसी को विश्वास का चमत्कार करने का ये करने का वो करने का वो करने का वो करने का ये तुमको सब वरदान मिले हैं मैं हैरान हो गया पोलुस ये बातें तो कोई फिश्य को लिखनी चाहिए थी वो लोग आत्मिक थे ये लोग क्या कर रहे थे आप कितनी बड़ी बात है एक कलिसिया में इतना पाप था फिर भी वहां पर चमत्कार हो रहे थे आपको पता है ये चमत्कार तो होते रहेंगे लेकिन अंत में जो हम लोग यहां पर खड़े रह रहे हैं और उसको कहेंगे हमने आपके नाम से चमत्कार किया ये किया और बाइबल कहती है मैं उनको साफ कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता आप जानते हो सारा लेटर लिखने के बाद पॉलूस उनको एक बात लिख के वचन पूरा करता है इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल लिखा गया है जीसस क्राइस्ट क्रूसीफाई ऑन द क्रॉस बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ लैश मसीह कमजोर होने की वजह से मरा आपको बताऊं पॉलूस ने उनको यह बात क्यों लिखी क्यों उसने अंत में यीशु मसीह के क्रूस के बारे में उनको लिखा आप जानते हो पॉलूस उनको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था एक सच्चा पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी कमजोर रहता है लेकिन जो आत्मा से भरे हुए नहीं है वे बहुत मजबूत होते हैं अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं अगर आपको कोई बुरा भला कहता है कोई आपको सुनाता है आपकी गलती है या नहीं है उसको छोड़ दो लेकिन जब आपको कोई सुनाता है और आप भी तैयार हो जाते हो कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा यू you नो know, आप कमजोर नहीं हो आप बहुत हो पॉलुस कहता है यीशु मसीह एक सच्चा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था और वो कमजोर था आप सोचो गसमनी भाग के अंदर जब एक आदमी ने ये पतरस ने एक आदमी का कान काट दिया जानते हो यीशु ने क्या कहा पतरस तलवार को अंदर रख पिता से एक प्रार्थना करूंगा बारह पलटने वहां पर भेजेगा लेकिन वो कहता है नहीं वो कमजोर हुआ हर जगह पर याद रखना अगर तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए हो ना तो तुम पाप के लिए मरे हुए रहोगे लेकिन अगर तुम ये कहते हो मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ भी हूं और दूसरों को सुनाते हो झूठ भी बोलते हो गुस्सा भी करते हो माफ भी नहीं करते हो मैं आपको बताना चाहता हूं आप धोखे में जी रहे हो पॉलूस कहता है ही क्रूसीफाई बिकॉज स ऑफ फ्लैश वो कमजोर हुआ है वहां पर जानते हो अब मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं ध्यान दीजिए आप में से कितने लोग शिमशोन को जानते हैं हाउ मैनी पीपल नो अबाउट सैमसन मुझे एक बात बताइए जब ये शिमशोन उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था तो वो क्या करता था अरे उसे बिल्डिंग्स गिराइए बिल्डिंग्स आपको पता ही है एक बार उसे हजार लोमड़ियां पकड़ी थी आप एक लोमड़ी पकड़ के दिखाओ मुझे मैं आपको चैलेंज करता हूं एक लोमड़ी आप मुझे पकड़ के दिखाओ उसे हजार लोमड़ियां पकड़ी एक बात तो उसने पता नहीं कितने लोगों को खत्म कर दिया डू यू नो एक तरफ से ये आदमी मिनिस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग लेकिन दूसरी तरफ से एक लड़की के साथ अटका हुआ था और अपने सारे लूपोल्स खोल रहा था वहां पर बैठ के मेरी चोटी में पावर है ये है वो है वो है क्या आप ये बात समझ पाते हो एक आदमी इतना स्ट्रांग एक जगह पर और दूसरी जगह इतना कमजोर कैसे हो रहा था बाइबल कहती है अंत में उसकी आंखें फोड़ दी गई थी आप जानते हो शिमशोन ने बहुत सारे शेरों को फाड़ दिया लेकिन उसके अंदर एक व्यभिचार का शेर था वो उसको कभी नहीं फाड़ पाया पौलुस ने किसी शेर को नहीं मारा लेकिन अपने अंदर हर गंदे पाप को खत्म कर दिया आप जानते हो क्यों मैं आपसे एक बात पूछता हूं आप सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग यहां बैठे हैं आप में से यहां पर कोई नहीं कह सकता है कि मुझे पवित्र आत्मा नहीं है पर मैं आपको बताना चाहता हूं उस पवित्र आत्मा ने आपके अंदर कितना काम किया है बोलिए क्या उसने आपको कमजोर बनाया है कि वो क्या बलवान लगे पड़े हो कितनी बड़ी बात है आज आपको कोई कुछ बोले आप उसको दो बातें सुना देते हो लोग यीशु मसीह को बोलते हैं तुझ में दुष्ट आत्मा है यीशु मसीह ध्यान तक नहीं देता था क्यों वो कमजोर व्यक्ति था लोग उसको बोलते थे तू पागल है तुझ में दुष्ट आत्मा है तू पियक्कड़ है तू ये है वो है मुझे एक जगह बताओ जहां पर यीशु मसीह घूमा और उनको यह कहा तुम क्यों बात करते हो मैं तुम्हारा नहीं खाता हूं लेकिन बाइबल कहती है वो वहां से चला गया जानते हो क्यों चला गया ही इज अ रियल स्प्रिटफुल मैन मुझे समझ में नहीं आता है आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति झगड़ा कर कैसे सकता है आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति दूसरे को टोंट कर कैसे सकता है आत्मा से भरा हुआ आदमी अपनी आंखों पे कंट्रोल नहीं रख सकता हा मैंने एक स्टोरी सुनी थी मैं पांच मिनट में खत्म करूंगा एक आदमी था अपने भाई के साथ समुंदर पर नहाने के लिए गया था और जानते हो क्या हुआ उनकी आपस में थोड़ी नोकझोंक हो गई तो बड़े ने छोटे को जोर से झापड़ मार दी और जानते इसने क्या किया ये साइड में गया और से रेत पे लिखा मेरे भाई ने मुझे आज मारा है। अगले दिन फिर से समुंदर पे आए और फिर से कुछ हुआ फिर से इसको लाफा लगाया अगले दिन फिर से इसने रेत पे लिखा भाई ने मुझे मारा और तीसरे दिन जब फिर से आए तो उसके भाई ने इसको नहीं मारा और ये डूब रहा था और उसको बचाया और इसे पत्थर पे जाके लिखा भाई ने बचाया इसके भाई ने उससे पूछा क्या बात है दो बातें रेत पे एक बात पे पत्थर पे क्यों बोला भाई तूने मारा ये रेत पे इसलिए लिखा है ताकि ये मिट जाए लेकिन जो तूने भला किया है वो हमेशा रहना चाहिए दैट इज स्टोरी याद रखिएगा एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी कभी दूसरों के पास्ट की मिस्टेक्स को याद नहीं रखता है आज झगड़ों में देखो बातें क्या होती है तूने दो साल पहले ऐसा किया था तूने चार साल पहले ऐसा किया था तेरी मां ने मेरे को तंग किया था ये किया था वो किया था ये किया था वो किया था पूरी झगड़ों में पास्ट की बातें निकलती हैं और हम बोलते हैं हम आत्मा से भरे हुए किसी और को जाके धोखा देना यीशु मसीह को नहीं मैंने ऐसे पाखंडियों को देखा है जो अपोज करते हैं बाहर जाके मेरा सूरज भाई ऐसा है वैसा है और घर पे छुप छुप के वीडियोस भी देखते हैं हमारे और जानते हो फिर प्रचार भी करते हैं <laughs> मैंने ऐसे रिसेंटली लोगों को देखा जो बाहर जाके मेरा नाम खराब करते हैं सूरज भाई ऐसा है सूरज भाई वैसा है और घर जाके मेरी मीटिंग सुनते हैं और प्रचार भी करते हैं वहां पर जाके मैंने कहा प्रभु <laughs> दया कर इन पर इन पर रहम कर मैं आपसे पूछता हूं कितने निर्बल हैं आप कितने कमजोर हुए हैं आज पॉलूस उनको समझा रहा था सच्ची सामर्थ चमत्कारों में नहीं होती है सच्ची यह है कि जब तु, तु, तुम कमजोर हो गए हो अभी अब तुमसे लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं तुम बस शांति में रहना पसंद करते हो कितने लोगों ने यीशु मसीह का यह वचन सुना है वो झगड़ा नहीं करेगा और ना ही जलती हुई बत्ती को बुझाएगा कितने लोगों ने पढ़ा है यह वचन वो कभी झगड़ा नहीं करेगा और कोई भी रिलेशनशिप जो खराब होने वाला है वो उसको और नहीं खराब करेगा वो उसको बनाएगा वो जलती हुई बत्ती को कभी नहीं बुझाएगा और वो कभी झगड़ा नहीं करेगा और ना ही तुम बाजारों में कभी उसका शब्द सुनोगे मेरे भाइयों और बहनों मैं आपको समझाना चाहता हूं एक आखिरी बात इस कलिसिया को यह बात इसलिए कह रहा है क्योंकि पॉलुस उनको समझा रहा है कि तुम्हारे बीच में चमत्कार होते हैं यह ये यीशु मसीह के होने का प्रमाण नहीं है अगर तुम्हारे बीच में यीशु मसीह होगा तो तुम लड़ाई झगड़ों के लिए मरे हुए रहोगे कितने लोगों ने आज की बातें समझी आई नो इट्स टू डीप बोलो जय मसीह की तो कितने लोग आज प्रभु को बोल रहे हैं प्रभु आज डेट क्या है थर्ड है थर्ड जनवरी फेबर मार्च अप्रैल ठीक है थ्री फोर सेवनटीन प्रभु आज झगड़े को डिवोर्स सुनाने दे प्रभु जितना भी सुनाने दे एक बहन एक लास्ट बात बता के आई एम आई फिनिश एक बहन है आउट ऑफ महाराष्ट्र रहती है उसकी शादी को छ या सात साल हो गए हैं इस छह सात सालों में वो मुझे कहती है मेरे दीपा की एज की है मेरी दीदी की एज की है वो मुझे एक बात बोलती है बोलती है भैया इन छः सात सालों में मैंने कभी भी अपनी सांस से कोई इनकरेज का वर्ड नहीं सुना है आज तक बोला मैं सुबह से लेकर रात तक काम करती हूँ लेकिन कभी भी मेरे बेटे को वो ये नहीं बोलती है अच्छी लड़की लेकर आया है सब करती है हमेशा कोई ना कोई कंप्लेन निकाल के रात को मेरा पति आता है उसको बोलती रहती है कि नथी कर रही कम बरोबर ये वो वो बोला बता सात साल हो गए हैं अभी तक भी वो मेरे लिए कुछ नहीं बोलती है उसने बोला सूरज भाई आप मेरे लिए प्रेयर करो ना मैंने बोला सिस्टर मैं आपके लिए प्रेयर तो जरूर करूँगा लेकिन मैं आपको एक वर्ड दूँ बोला हाँ मुझे दो मैंने कहा सिस्टर कई बार परमेश्वर आपकी सिटुएशन क्यों नहीं बदलता क्योंकि वो सिटुएशन के थ्रू आपको बदलना चाहता है आज भी वो दीदी मुझे कभी कभी कॉल करती है और आप जानते हो क्या बोलती है बोलती है ब्रदर मुझे नहीं पता है ये कितना साल रहेगी लेकिन मैंने ठान लिया है जब तक ये जिंदा है मैं इसकी सेवा करूंगी अभी मैं इसकी हेल्प करूंगी मैंने बोला सिस्टर मसीह जीवन जीने का यही सही तरीका है कितने लोगों ने कहावत सुनी है पृथ्वी पे जब तुम आते हो तो वही दिन होता है जहां तुम सारा दिन रोते हो और तुमको देख के सब लोग हंसते रहते <laughs> आप जानते हो परमेश्वर ने यह ठाना है कि जिस दिन आपका जन्म होगा उस दिन सिर्फ आप ही सारा दिन रोगे आपको देखने वाला हर आदमी हंसेगा इस बीच में ऐसा जीवन जियो कि जब जिस दिन आपको यहां से डिपार्ट करना हो जब आप मरेंगे तो एक आप ऐसे होने चाहिए आप हंसे और आपको देख के सब रोने चाहिए कई बार तो ऐसा होता है जब हम देखते हैं कोई मरने वाला है हमको खुशी होती है जल्दी जाए बहुत तंग किया है इसने राजस्थान के अंदर बहुत सारे जगहों पर मैंने इसे सुना है मरने के बाद लोगों को बुलाया जाता है रोने के लिए वो बताते हैं हमको इतना दुख नहीं है हम क्या करें हम किसी और को बुला रहे हैं कि सच्ची कहता हूं तो। बाइबल के अंदर लिखा है हे hey, रोने वाले जल्दी आ जाओ यमिया की पत्री में लिखा गया है उन दिनों में भी ऐसा होता था बोलो प्रभु मुझे कमजोर बना मेरे अंदर से उल्टा जवाब देने की झगड़ा करने की आर्ग्यूमेंट करने की शक्ति निकाल मुझ पर दया कर मुझे सुनना सिखा मैं सुनने से मजबूत होता हूं सुनाने से नहीं यीशु मसीह के नाम में आमेन बोलो आमेन थैंक यू लॉर्ड। कितने लोगों ने आज कुछ समझा हाँ बदर वो कितना भी बोले चलेगा उनको पूरा हक है बोलने का आपको पूरा हक है इग्नोर करने का, <गणारी> का> समझ गए उनको पूरा हक है बोलने का आपको पूरा हक है इग्नोर करने का उनका मुंह है आपके कान है कभी आपने इस बात को सोचा प्रभु ने मुंह एक कान क्यों दो दिए दो सोचो प्रभु दो मुंह देता दो आप यहां से ही बात करते यहां से ही बात करते यहां से भी प्रभु ने बोला एक से ही परेशान लगे पड़े दो वरी कहां से देगा तू जानते हो प्रभु ने दो कान क्यों दिए एक मुंह क्यों दिया है भाई दो बार सुन एक बार बोल <laughs> समझे बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद यस आइए हम सब खड़े हो जाएंगे